लेकिन बोलबम में पवन सिंह क्यों नहीं गवाए हैं आप? मैं थोड़ा सा बिजी थी और पवन जी का फ़ोन आया था मेरे पास, बट मैं थोड़ा सा बिजी थी इसलिए पवन भैया ने बोला कि अनुपमा टाइम, मैंने कहा भैया थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है, तो भैया ने बोला कि ठीक है सावन है मैं गवा लेता, मैंने कहा ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी उनके साथ एक और धमाका सॉन्ग मेरा बहुत जल्दी आ रहा है। पवन सिंह का सॉन्ग पुदीना है हसीना, जिसने 150 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर दिए हैं महज 1.5 महीने के अंदर। आपको बता दें कि इस गाने की जो हीरोइन है अनुपमा यादव, उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने आया है जिसके तहत उन्होंने ये खुलासा किया है क्यों वो पवन सिंह के बोलबम के वाले गाने के तर्ज पर जो गाना बना है उसमें गायकी उन्होंने नहीं की, उसमें एज अ सिंगर उन्होंने नहीं गाया, प्रियंका सिंह ने उनकी जगह गाया है। तो इस पर अनुपमा यादव का कहना है कि वो पवन सिंह के साथ एक बहुत बड़ा धमाका करने वाली हैं, बहुत बड़ा सॉन्ग आ रहा है उनका, ये तो उन्होंने जानकारी दी। और जब रिपोर्टर ने उनसे ये पूछा कि क्यों आपने उस गाने में अपनी आवाज़ नहीं दी, तब उन्होंने ये कहा कि पवन सिंह का फ़ोन मुझे आया था और उन्होंने कहा था कि क्या तुम इस गाने में अपनी आवाज़ दे सकती हो, तब मैंने उनसे कहा था कि भैया मैं इस वक्त बहुत बिज़ी हूँ, तब उन्होंने मुझे कहा था कि ठीक है मैं किसी और सिंगर को देखता हूँ। जैसे कि उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में ये बताया कि उनका और पवन सिंह का कोई मतभेद नहीं है, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि अनुपमा यादव के मतभेद के कारण ही पवन सिंह ने उन्हें दूसरा चांस नहीं दिया, तो यहाँ अनुपमा यादव खुद कह रही हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिज़ी थी, साथ ही साथ उनके कई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, खेसारी के साथ आने वाले हैं, पवन के साथ आने वाले हैं, सोलो भी कई सॉन्ग आने वाले हैं और वो बिज़ी थी, इसके चलते प्रियंका सिंह ने अपनी आवाज़ पुदीना वाले गाने में दी है। तो जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि अनुपमा यादव और पवन सिंह के रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। इस पे आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।